जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ कि अगर स्किन धूप से झुलस गई है, जल गई है, स्किन में स्पॉट्स पड़ गए हैं, स्किन में दाग धब्बे हो गए हैं या स्किन में धूप की वजह से मस्से और दाने निकल आए हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि मौसम गर्मियों का है, अक्सर धूप में निकलना पड़ जाता है और किसी किसी की स्किन पर बहुत जल्दी हर एक मौसम का असर होता है, खास करके सेंसिटिव स्किन पर। तो अगर धूप में निकलने के कारण ऐसी कोई भी दिक्कत आपको हो गई है तो उसके लिए आज मैं बहुत ही आसान आपको घरेलू उपाय बताने वाली हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो में पूरे टाइम रहिएगा, बहुत छोटी सी वीडियो है। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ में बेल को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरी सभी वीडियो, सभी उपयोगी वीडियो आप तक पहुँच सकें। तो अगर इस तरह की आपके साथ में कोई भी दिक्कत हो गई है, आपके चेहरे पर स्पॉट्स हो गए हैं, धूप की वजह से झाई हो गई, डार्क सर्किल हो गए हैं या रंगत आपकी फीकी पड़ गई है, रंग सांवला होने लगा है या छोटे छोटे बारीक मस्से या दाने होने लगे हैं, तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए आज मैं आपको एक क्रीम बनाना सिखा रही हूँ। आप उस क्रीम को बना के 15 दिन के लिए भी स्टोर कर सकती हैं। अब इस क्रीम को हम बनाएंगे कैसे, बिल्कुल घबराइए मत, आपका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च होगा, सारा सामान लगभग आपके घर पे ही मौजूद रहता है। आपको लेना है 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 2 चम्मच भर के, जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं बिल्कुल भर के, ऊपर तक भर के एलोवेरा जेल आपको 2 चम्मच लेना है। और वो एलोवेरा जेल आप चाहें तो रेडीमेड अगर आपके पास है तो वो ले सकती हैं, अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है तो आप प्लांट से निकाल सकती हैं। उसके अलावा इसी एलोवेरा जेल में आपको 1 चम्मच बिल्कुल भर के ग्लिसरीन डालनी है। अब आप सोच रहे होंगे गर्मी के मौसम में ग्लिसरीन, जी हाँ ग्लिसरीन, क्योंकि आपकी स्किन को नमी प्रदान करती है और आपकी स्किन चूँकि धूप में ख़राब हुई है, डैमेज हुई है, आपकी स्किन की नमी ख़त्म हो गई है, इसलिए नमी देना ज़रूरी है। साथ ही इसमें आप 1/2 चम्मच कोल्ड क्रीम डाल दीजिए। अब आप फिर ताजुब में होंगे गर्मी में कोल्ड क्रीम, तो क्योंकि ये क्रीम आपको नाइट में लगानी है, आपको इसको क्रीम को लगा करके बाहर नहीं निकलना है, नाइट में लगा के आपको सो जाना है या सुबह सुबह जब आप उठती हैं इसको लगा लेना है और 1 घंटे के बाद आपको मुँह अपना धो लेना है। तो आपका हो गया 2 चम्मच एलोवेरा जेल, 1 चम्मच ग्लिसरीन और 1/2 चम्मच कोल्ड क्रीम। उसके अलावा इसमें 1 चम्मच भर के आप ठंडी मलाई मिलाइए, दूध उबाल के फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए, जब उसके मोटी मोटी मलाई पड़ जाए तो भाई ठंडी मलाई इसमें 1 चम्मच भर के मिक्स कर लीजिए। इसी में आप 2 चुटकी हल्दी डाल दीजिए और बहुत अच्छी तरीके से सब चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। और उसके बाद में इसको आप एक बढ़िया से कंटेनर में, किसी जार में या किसी भी क्रीम की डिब्बी में भर के फ्रिज में रख दीजिए। फ्रिज में इसलिए इसको रखना है क्योंकि इसमें आपने दूध की मलाई मिलाई है। अब दूध की मलाई यदि आप बाहर रखेंगे तो गर्मी के दिनों में उसमें बदबू पैदा हो जाएगी, सड़न पैदा हो जाएगी, और आपको एकदम फ्रेश क्रीम लगानी है, इसलिए इसको आपको क्रीम में, इस जो भी आपने क्रीम बनाई इसको आपको फ्रिज में स्टोर करके रखना है। अब आपको करना क्या है, जब आप सुबह सुबह सो के उठती हैं अपने चेहरे को सादे पानी से आपको धोना है और इस क्रीम की एक मोटी लेयर अपने फेस के ऊपर आपको लगा देना है। इसको लगाने के बाद में आप कोई भी काम करती रहिए, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना तो इससे आपके चेहरे पर कोई खिंचाव आने वाला है, ना ही इससे आपके चेहरे के ऊपर किसी तरह का कोई तनाव आने वाला है। लगा के आप आराम से काम करती रहिए, 1 घंटा 1.5 घंटे के लिए भी अगर आप इसको छोड़ देती हैं कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में जब आप नहाने जाती हैं अपने चेहरे को आप धो लीजिए। मैंने हमेशा बताया है चेहरे पर साबुन कम से कम यूज करिए या नहीं यूज करिए। आप कैसे साफ करेंगे बिना साबुन के चेहरा, मैं अपनी बहुत सारी वीडियो दे चुकी हूँ, घरेलू फेस पैक मेरी प्लेलिस्ट या मेरी प्लेलिस्ट माई होम रेमेडीज़ में आप देख सकती हैं। उसके अलावा नाइट में आपको कैसे लगाना है, नाइट में जब आप सोने जाती हैं तो सोने से 1/2 घंटे पहले आप इस क्रीम की एक लेयर अपने फेस पर लगा दीजिए और वैसे ही आप सो जाइए। अगर आपको लगता है कि आप कुछ भी चेहरे के ऊपर लगा के सो नहीं सकती हैं तो फिर आप सोने से 1-1.5 घंटे पहले इस क्रीम को लगाइए और सोने से जस्ट पहले इसको उतार दीजिए, चेहरे को धो के आप सो जाइए। और वरना अगर सो सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। रात को इसकी एक मोटी लेयर अपने फेस पे लगा के आप सो जाइए, सुबह जब आप उठेंगी चेहरे को आप धोएंगी तो आप खुद जब इस तरीके से अपने चेहरे को छुएंगी आप देखेंगे कितना स्मूथ, कितना सॉफ्ट आपका चेहरा हो रहा है और इस क्रीम से आपकी रंगत भी एकदम निखरने लगेगी। जो भी आपके दाग धब्बे स्पॉट्स हो गए हैं, ब्लैक हेड्स हो गए हैं
या आपके जो भी सनटैन हो गए, सारी चीज़ें आप देखेंगी, जैसे ही आप 4-5 बार इसको लगाएंगे आपको सारी चीज़ें ख़त्म होती नज़र आएंगी। और रेगुलर यदि आप इसको अपने रूटीन में ले आती हैं तो आप देखिए आपका चेहरा खुद आपको बताएगा कि इससे आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास में फालतू खर्च करने के लिए पैसा नहीं होता है। और जब आप इस तरीके की परेशानी से परेशान होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो एक बार में ही आपके 1000 से 2000 रुपये चले जाते हैं और स्थायी फ़ायदा नहीं होता। और जो ये चीज़ें हैं भले ही थोड़ा देर से फ़ायदा करें लेकिन बहुत फ़ायदा करती हैं। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो, हर एक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ शेयर किया करिए। नमस्कार, धन्यवाद।